Hello friends, right now I am in front of the biggest jeweler of India, Shri B.S. Rajpal, Managing Director of Manjeet Cotton Industries, popularly known as Pappu Bhaiya. Pappu Bhaiya, namaste. Hello. हमारे शो पे आने के लिए थैंक यू सर. आपसे ये जानना चाहूँगा, इंडिया के सबसे बड़े जेलर होने के नाते आप सभी स्टेट में आपका कहीं ना कहीं फैक्ट्री है, आपका काम चल रहा है, तो 2017 का साल कैसे रहा था आपके लिए? 2017 का जहाँ तक सवाल है जिनर्स के लिए, तो जिनर्स के लिए कुछ लास्ट मंथ ठीक चल रहा था. बाद में इसके बाद में कुछ क्वालिटी का इशू आया जी, और बाद में जो है ये जो जीएसटी का जो आने के वजह से सब डिस्टर्ब हो गया जी. तो करीबन एक महीना जिनिंग का जो इंडस्ट्री जो सफर हुआ है जी. अब जाके जो है धीरे धीरे अपने लेवल पे आ रहा है और उम्मीद है कि साल के अंत तक ये जिनर्स के लिए ठीक रहेगा. अच्छा सर, नोटबंदी और जीएसटी आने के बाद अभी ये इंडस्ट्री उससे उबर रही है? उससे उबर रही है, बट एक्चुअली उबर रही थी, बट बाद में क्या हुआ कि लास्ट मंथ में जो है गवर्नमेंट ने सडनली कॉटन पे आरसीएम लगा दिया जी, जो कि किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी पे किसी पे नहीं है, ओनली जिनिंग पे इन्होंने सडनली लगाया. उसके वजह से जिनस का काफ़ी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें जाम हो गया जी, और प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और ये जिनिंग इंडस्ट्रीज के लिए नाइंसाफी हुई. अच्छा, अगर आपको आरसीएम लगाना है तो सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में लगाना चाहिए, ना कि अकेले कॉटन पे जी. तो इसके वजह से बहुत बड़ा जो कैपिटल का हिस्सा है वो आरसीएम में जो टैक्स के रूप में जमा हो रहा है, जिसका कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी उसमें अटक गया है जी. इसके वजह से जिनर्स कोई तकलीफ उठा रहे हो रही है जी. तो राजपाल जी का ये कहना है कि वैसे तो साल ठीक ठाक चल रहा था, नोटबंदी से ये इंडस्ट्री उभर रही थी, पर ऐसे में जीएसटी आने के बाद और खास करके जीएसटी के बाद जो जो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सरकार ने सिर्फ जिनिंग को चुना है, मतलब सिर्फ कपास एग्रीकल्चर के सभी प्रोड्यूस में से सिर्फ कपास को चुना है, हमारा ये कहना ये बड़ा गलत हुआ. किसी एक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही बात है. और उसके लिए वर्किंग कैपिटल जिनर के रुक रहे हैं और रिफंड समय से नहीं आ रहे हैं, और जिनर्स जो आज एक्सपोर्ट पे कॉटन एक्सपोर्ट करता है उसमें 0.1% का जो टैक्स लगता है एक्सपोर्ट पे जी, जबकि उसका जिनर्स का पूरा 5% टैक्स उसमें अटक जाता है. सही बात है. तो उसका रिफंड लेने के लिए भी प्रोसेस अभी बहुत इजी नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो उसका पैसा उस टाइम पे भी 4 महीने 6 महीने के लिए 5% अलग से अटक रहा है. तो इधर आरसीएम में पैसा अटक रहा है, इधर तुम्हारा रिफंड में भी, रिफंड जो सेल करता है एक्सपोर्टर को उसके भी उसके अगेंस्ट भी पैसा जाम हो रहा है. सही बात है. तो इस तरह से गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि ये इंडस्ट्रीज को साथ गलत हो रहा है अगर ऐसा चलता रहा, जबकि इंडिया की एक सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडस्ट्रीज कॉटन इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल है जी, और जिसका बेस टेक्सटाइल का कॉटन से स्टार्ट होता है जी. और जिनर्स में क्या होता है, छोटे छोटे से बिजनेस है, देखिए बड़ी ग्रुप नहीं रहता इसके अंदर जी, तो उनमें इतनी ताकत नहीं रहती जितना जिस हिसाब से टैक्स मतलब का भार उन पर आ रहा है टेम्परेरी, उसको रिलीफ करने की जरूरत है. जरूरत है. तो खास इन्होंने ये बात कही कि एक साइड पे आरपीएम है, आप फार्मर थे लो कपास और 5% आप पे लग जाता है, दूसरी साइड पे ज़्यादातर जिनर एक्सपोर्टर को दे रहे हैं या खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 0.1% टैक्स लगा के वो बिल बना के देते हैं, तो वो भार भी जिनर पे आ रहा है. तो वो दोनों साइड का भार सहन करने जितना अभी जिनर ताकत अभी फिलहाल नहीं है, पर प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से जिनरों को कुछ कमाई हुई है 2017 में या कैसा करा? अभी क्या हो रहा है कि इंडिया का जो कॉटन मार्केट है, पहले तो क्या होता था कि स्टॉक के ऊपर ज़्यादा चलता था या क्रॉप के ऊपर ज़्यादा, क्रॉप कम है तो प्राइस बढ़ जाते थे, ज़्यादा है तो कम हो जाते हैं जी. पर अभी लास्ट 2-3 सालों में देखने आ रहा है कि इंडिया का जो प्राइस है पूरे इंटरनेशनल पर डिपेंड हो गया है जी, न्यूयॉर्क फ्यूचर पे. यदि न्यूयॉर्क बढ़ता है तो इंडिया का प्राइस बढ़ जाता है, वो घटता है तो वो यहाँ घट जाता है जी. तो ये एक तरह से बड़ा घातक है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इंडिया के जिनर्स इतना एजुकेटेड नहीं है कि भी इसका क्या आने वाला है. मतलब कुछ जो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मल्टीनेशनल कंपनियां, ये लोग फीचर को ऊपर नीचे लेके जाती है जी, उसके वजह से मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन होने लग गया है. इससे काफ़ी जिनर्स को नुकसान भी हो रहा है, मतलब
सही बात है, क्योंकि ये उनके समझ के बाहर, समझ के बाहर वो कैलकुलेशन नहीं रहा हम लोग लगा पाते हैं जी। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले तो ये होता था कि इतना क्रॉप आ रहा है, इतना कंजम्पशन है, इतना कैरियर रहने वाला है, उसके हिसाब से प्राइस ये होंगे जी। आज के टाइम पे अगर कॉटन का शॉर्टेज भी है और न्यूयॉर्क फ्यूचर नीचे आता है तब भी मार्केट यहाँ नीचे हो जाता है। सही बात है, अब सिर्फ डिमांड सप्लाई पे नहीं रह गया है। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सही बात है, तो जिनर को ये जागृति भी लाना है कि अगर न्यूयॉर्क ऊपर है तो जरूरी नहीं कि डिमांड ज्यादा हो। हाँ मतलब वहाँ कुछ जिनर मजबूर हो गया ना, होता क्या है कि पूरा प्राइस इसके ऊपर अभी आजकल चल रहा है। सही बात है, न्यूयॉर्क के हिसाब से M6 चलता है, M6 डोमेस्टिक मार्केट चलता है। बिल्कुल सही है, तो ये इसके लिए अच्छा नहीं है हम लोगों। सही बात। राजपाल जी, 2018 साल के लिए क्या आप मतलब क्या आपका कॉल है कि क्या करना चाहिए? बिकॉज अभी समझे गुजरात के जिनर से बात करें, तेलंगाना में बात करें, तो जिनर की हालत अच्छी नहीं है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। कुछ लोगों ने इतना तक कह दिया कि 60% इंडस्ट्री सिक है अभी। तो आप इतना बड़ा कारोबार चला रहे तो क्या आपका मानना है? देखा जाए तो इंडिया लेवल पे मेरे हिसाब से 30-35% इंडस्ट्री 40% सिक यूनिट में आ रहे हैं, मतलब जो कि स्लो चल रहे हैं या बंद हो गए हैं जी, ड्यू टू यही कि प्राइस ऊपर नीचे बहुत हो रही है जी। और जिनर्स बिना नॉलेज के, जो उसको इतना नॉलेज नहीं रहता, वो स्टॉक रख लेता है जी, बाद में बाजार कम हो जाते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। इंटरेस्ट का जो है वो उसमें बहुत बड़ी मार पड़ती है जी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलग से इंटरेस्ट के लिए कोई वो नहीं है, कोई सब्सिडी या ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टाइप से उसको इंटरेस्ट की मार भी पड़ रही है और इधर प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जिनर्स की, इंडिया की जिनर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है जी। जबकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है जिनर, फार्मर और स्पिनिंग इंडस्ट्री के बीच में इतनी बड़ी लिंक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके वजह से जो ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है, सब इंडस्ट्रीज के साथ में जी, अब इसको सुधार करने की जरूरत है जी। जी, तो ब्याज अभी आप बोलेंगे जिनर को बहुत मार पड़ रही, ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ उम्मीद है कि कुछ सरकार से कुछ ऐसा हो? सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि एक तो आरसीएम इमीडिएट हटाना चाहिए जी, और इसको भी इंडस्ट्रीज का दर्जा देना चाहिए। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बाकी इसको कोई भी गवर्नमेंट के उसके हिसाब से कोई अहमियत नहीं रखती, कोई इस पर कोई इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया जी। जिस तरह से दूसरी इंडस्ट्रीज को देते हैं ऐसा इसमें देना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्रीज उभर सके जी। और जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, अगर जीनिंग इंडस्ट्री में देखा जाए, नहीं अच्छा एकदम बात करना, और आप एकदम एक एक राजपाल जी, सरकार की तरफ से क्या उम्मीद है? आपने बोला ब्याज की मार पड़ती है, रिफंड की मार है, इंडस्ट्री के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो आरसीएम को इमीडिएट इससे हटाना चाहिए जी। और जो सिक यूनिट है जिसपे की इंटरेस्ट का बर्डन है, उस पर कोई इंटरेस्ट में राहत देना चाहिए जी, ताकि एग्री बेस्ड यूनिट है। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिट को गवर्नमेंट एक तो कहती है कि हम इसको काफ़ी सपोर्ट देना चाहते हैं ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके जी, तो गवर्नमेंट ने जिनर्स के लिए नया पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए और जो जो सुविधा एक्स्ट्रा वो दे सकते हैं वो देना चाहिए, ताकि जिनिंग इंडस्ट्री चलेगी तो उसके पीछे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी टिकी रहेगी। सही बात है। और क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है कि आज से 10 साल पहले जो इंडस्ट्री कॉटन का नाम इंडिया में बहुत अच्छा नहीं था इंटरनेशनल मार्केट में, पर ये देखा गया है कि लास्ट 10 ईयर से काफ़ी यूनिट अपग्रेड हुए हैं जी, और एक बहुत अच्छी लेवल की क्वालिटी, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी बनाने के लिए सक्षम हो गए हैं जी। आज देखो कंटामिनेशन का बड़ा इशू था आज से 5 साल पहले इंडिया में जी, वो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है जी, और इसका ये नतीजा है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी नाम होते जा रहा है इंडिया का, और मिल वालों को भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर कंटामिनेशन कम जाता है तो उनके यान में जो प्रॉब्लम आता था, काफ़ी लॉट्स उनके रिजेक्ट होते थे जी, तो वो आजकल पहले से काफ़ी कंट्रोल हुआ है, कम हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से चलेगा तो स्पिनिंग वालों को भी फायदा रहेगा, एक्सपोर्टर को भी बेनिफिट रहेगा जी, और जिनर्स को भी बेनिफिट मिलेगा को भी इसमें तो पैसे। बट मैं टेक्सटाइल मिल वालों से एक और कहना चाहता हूँ जी, कि जो क्वालिटी अच्छी बनाता है जिनर्स, उसको एक प्रीमियम मिलना चाहिए। अभी क्या है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा गया कि आज जो प्राइस ओपन होती है, फिक्स प्राइस एक चलती है कि भाई ये प्राइस है, अगर जिनर्स अच्छी प्राइस क्वालिटी बनाता है, कंटामिनेशन कंट्रोल बनाता है जी, अगर उसको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, प्रीमियम मिले जी, तो निश्चित ही और वो क्वालिटी को सुधार कर सकता है, कर सकता है। बट आज स्पिनिंग वालों को चाहिए कि जो अच्छी क्वालिटी बनाता है या उसको क्वालिटी अच्छी देता है, उसको प्रीमियम देना चाहिए, ताकि वो
उसको और अच्छी तरह से बना सके, उसको देख के दूसरे लोग भी इसी टाइप से क्वालिटी बनाए जिससे कि क्वालिटी का सुधार हो सके। सही बात है। तो राजपाल जी का कहना है कि चलो कुछ कंप्लेंट्स होंगी कंटेमिनेशन की और मिक्सिंग की, अडल्ट्रेशन की, जिनर्स की तरफ से मिल वालों को या फिर एक्सपोर्टर्स को, लेकिन सभी जिनर इस तरह नहीं है। और अगर मिल वालों ने और एक्सपोर्टरों ने थोड़ा अच्छा दाम दे के उसको अप्रिशिएट किया, अगर कुछ प्रीमियम में दिया तो हौसला बढ़ेगा जिनर का कि अच्छा माल बना है, अच्छा आ ही रहा है। अदरवाइज जिनर्स को मन में आता है कि मैं क्वालिटी जब एक ही प्राइस में बहुत अच्छा प्रीमियम बना रहा हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहा हूँ जी, और मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो उसके मन में आता है यार दूसरा तो प्रीमियम क्वालिटी नहीं बना रहा, उसको सेम प्राइस मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों अच्छा बनाऊँ, क्योंकि उसको कॉस्ट ऊंची आ रही है। कितने दिन बनाऊँ और मैं कितने दिन बनाऊँ। बराबर है। तो मेरा एक्सपोर्टर से भी और जिनर्स मिल वालों से कहना है कि जो क्वालिटी बनाता है, जो पैकिंग अच्छा देता है जी, जिसकी पूरी मॉडर्नाइज फैक्ट्रियां हैं, उससे उसको प्रीमियम देना चाहिए, तो ताकि वो क्वालिटी का सुधार हो सके। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बोला कि हमें भाव नहीं मिलता है बहुत बार, और इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं मिलता है, तो हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल शिपर्स है उनके प्राइस कोटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। समझो मुझे आज अगर बीमा लेना है तो मुझे आधा सेंट के ऊपर भाव फर्क नहीं मिलेगा, चार शिपर से रेट मांगा तो भी, पर अगर इंडियन कॉटन लेना है तो तीन चार सेंट फर्क भी मुझे सेम क्वालिटी के लिए भाव मिल जाएगा। तो क्या जिधर को यह एकजुट होना चाहिए या कुछ ऐसा मैकेनिज्म आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि हम अपने रुई को डिग्रेड ना करें ताकि भी रुई हल्की देनी पड़े। वही बात है ना कि जो आज जो क्वालिटी अच्छी बनाते हैं, प्रीमियम क्वालिटी बना रहे हैं, वो अपना प्राइस ऊंचा रखते हैं जी। जो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है वो, और मतलब पैरामीटर प्रॉपर नहीं आते, वो नीचे कोट करता है, इसलिए वो डिफरेंस सामने दिखता है जी। अगर सेम क्वालिटी बने तो मैं समझता हूँ कि इतना डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको। सही बात है। क्वालिटी में क्वालिटी अपना है। दूसरा क्या है कि कंट्री इतनी बड़ी है तो हर स्टेट में क्वालिटी अलग अलग है। सपोज कोई गुजरात का है ले लो, महाराष्ट्र ले लो, कर्नाटक का ले लो जी, तो एक उसका भी एक अपना अपना कैरेक्टर रहता है कॉटन का, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस भी ऊपर नीचे जो दिखता है आपको, उसका मेन रीजन एक बोल। सही बात है। आपने बताया सरकार से ये उम्मीद है कि आरसीएम एक बार वो वापस ले ले, और एक्सपोर्टर की तरफ जो अभी जिनर पे पूरा बोझा डाल दिया है 4.9% का, उसमें कुछ सोच विचार करें। और स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए आपने रिक्वेस्ट किया कि भी क्वालिटी को अप्रिशिएट करें और थोड़ा प्रीमियम। पहले अभी बीच में इनकी जो योजना चल रही थी अपग्रेडेशन की, टीएमसी की यूनिट की जो सब्सिडी चल रही थी, जिससे कि लोगों ने काफी यूनिट मॉडर्न यूनिट डाले हैं जी, तो वो स्कीम बंद कर दी गई है अभी गवर्नमेंट द्वारा से, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा। मैं चाहता हूँ उसको वापस चालू करना चाहिए ताकि ये लोग और उसको अपग्रेड करें और क्वालिटी का सुधार हो सके इंडिया की कॉटन का। सही बात है, क्योंकि पहले टीएमसी बनाने के बाद तो इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ ही था, अभी उन्होंने रोक दिया गया है जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू करें ताकि और भी इंडस्ट्रीज आए, अच्छी नई आए और अच्छी नई अपग्रेडेशन करके आए, ताकि क्वालिटी का सुधार हो। उससे क्वालिटी सुधार होगी तो प्राइस अच्छा मिलेगा, प्राइस अच्छा मिलेगा तो फार्मर्स को भी प्राइस अच्छा मिलेगा जी, ये पूरी चेन रहती है। सही बात है। इसके वजह से अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ बेनिफिट फार्मर्स को, जिनर्स को और मिल वालों को मिल सकता है जी जी। सर अभी आप कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी और बड़ी है, तो साथ में थोड़ी सत्ता भी है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो अब सीएआई के वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से क्या आप खास करना चाहेंगे? सीएआई के प्रेसिडेंट के हिसाब से पहले मैं पुरानी बात नहीं दोहराना चाहता हूँ, पर पहले ये थोड़ा ये था कि जिनर्स की तरफ जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया की, उसके ऊपर बहुत फोकस नहीं करते थे, तो हम लोगों ने नए आने के बाद हम लोगों ने फोकस सबसे ज़्यादा जिनर्स पे किया, ट्रेडर्स पे किया, एक्सपोर्टर पे किया है जी, कि ये कैसा फ्री ट्रेड हो सके, एक्सपोर्ट में कोई भी तरह की रुकावट नहीं आना चाहिए। अभी जैसा कि पाकिस्तान अभी बीच में लास्ट मंथ तक नहीं ले रहा था, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी प्रयास किए जी, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट ओपन हुआ है, तो उससे क्या होता है कि इंडिया के कॉटन का वॉल्यूम बढ़ता है। सही बात। और दूसरा हम इसके जिनर्स के हम तो बिल्कुल सभी कंट्री के जितने भी एसोसिएशन है उनको लेटर लिखा है जी, कि आपको किसी भी तरफ के जो प्रॉब्लम है हम लोग आपके साथ में और एक साथ मिल के जो है इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट लेवल पे जो भी है जी उसको सॉल्व करेंगे जी। तो आप एक अच्छा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जिनर्स के लिए। अभी राजपाल जी सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक बड़े एसोसिएशन में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ये आप सभी जिनरों को आह्वान करते हैं, आपके
जो भी इश्यूज हैं आप इन तक ले आइए, सीआई तक ले आइए, और ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसका प्रतिनिधित्व सरकार की तरफ हो या फिर जिस 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 जगह कर रहा हूँ वो हिसाब से। बहुत बहुत मेरा जीनस, एक और जीनस भाइयों को एक और मेरा कहना है इस आपके माध्यम से जी, कि जिस हिसाब से अपना जीनस कोई क्वालिटी सुधार रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं जी, इसी तरह से करते रहे और एक टाइप क्वालिटी बनाए, मतलब जो 100 मिल तक एक सरी की रहे जी, और पैकिंग अच्छा सुधार करें ताकि इससे अपने को प्रीमियम मिल सके और अपने कॉटन का एक जगह ब्रांड वैल्यू बढ़ना चाहिए। सही बात। अगर और ब्रांड आज वही कॉटन इंटरनेशनल मार्केट में 3-4 सेट ऊंचा बिकता है, इंडिया का कम बिक रहा है जी, तो आज अपने को जरूरत है कि उसके लेवल पे अपना प्राइस देके जाए। कॉटन तो बहुत अच्छी है, कॉटन अपने इंडिया की खराब नहीं है, फाइबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा अच्छा है जी, बट प्रोसेस में और धीरे धीरे सब जीनर्स ने मिलकर सुधार करना चाहिए, और उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, और उनको हम लोग बकायदा बोल भी रहे हैं जी, ताकि हम लोग इंटरनेशनल के लेवल पे अपना प्रोडक्ट बेच सके जी, और इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा के सामने हम लोग खड़े रह सके। सही बात। अब ये जो बात कही राजपाल जी ने, इसके सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा कि इंडियन कॉटन और वेस्ट अफ्रीकन कॉटन में आज 5 सेंट का डिफरेंस है। एक सेंट की कमाई नहीं है जिस बिजनेस में, उस सेंट में 5 सेंट का डिफरेंस होना, और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो इंडिया का DCH है और जो US का पीमा कॉटन है उसमें 50% का फर्क, तो बहुत बड़ी बात आपने बोली कि अगर हम अपनी क्वालिटी में थोड़ा भी सुधार लाएं और उस लेवल तक पहुंच सके तो हमें एक बार ब्रांड बन गया, पूरे सप्लाई चेन पर 2 पैसे मिलेंगे और एक दूसरे से रिलेशन भी और मिलेंगे जी। बहुत बहुत आभार आपका। दूसरा मनीष जी, आपके बारे में बोलना चाहता हूँ जी, जी माध्यम से कि आपने जो कॉटन गुरु के नाम से जो आपने इतनी मेहनत करके इसको यहाँ तक जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं जीनर्स को जी, और एक्सपोर्टर को, और इसके बाद पूरे मल्टीनेशनल का मतलब पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जी जो नॉलेज मिल रहा है आपके थ्रू, वो बहुत एक सराहनीय काम है, अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप आगे बढ़े ताकि इस इंडस्ट्रीज का कुछ भला हो सके, फायदा हो सके जी, यही उम्मीद आपसे मैं करता हूँ। थैंक यू, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंडस्ट्रीज के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आज इंडिया का कॉटन की क्वालिटी सुधर रही है, उन सभी मैं स्पिनिंग वालों से कहना चाहता हूँ कि जीनर्स को भी एक वो इम्पोर्टेंस दें, और जो जीनर्स क्वालिटी अच्छी बनाता है और उसके हिसाब से उसका प्रीमियम दिया जाए। और दूसरा एक बात सबसे बड़ा बात ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी बहुत एक अच्छी स्कीम निकाली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि आप अगर उसको सब मिलके मिशन दें अपने अपने एरिया में, जैसे जितनी स्पिनिंग मिल है, अगर एक एक स्पिनिंग वाला कुछ एरिया चॉइस करे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इंटरेस्ट लिया जाए, तो गवर्नमेंट भी उसमें कुछ सब्सिडी दे रही है, पर आज ज़रूरत है कि उसको फिजिकल सामने आके उसको कैसे उसको बढ़ाया जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया की सक्सेस होती है तो मेरा मानना है कि एक सरी की क्वालिटी मिल सकती है और अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, उससे अपने जो टेक्सटाइल यूनिट को है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना जा रहा है, जो कि अदर कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बहुत ज़्यादा जोर है, उसकी वजह से वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी उनको मिल पा रही है। तो मैं सभी स्पिनिंग वालों से कहना चाहता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है, बनाया गया है, उसमें पूरा उनका साथ में रह के सपोर्ट करके इसको इसको बढ़ावा दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। इतना ही कहना।